अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो इट्स मी इमरान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाली हूँ अपना ज्वेलरी कलेक्शन, माय एंटीक ज्वेलरी कलेक्शन। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हियर इज़ माई ज्वेलरी, मेरी सारी ज्वेलरी एंटीक जो मैं लेके आई थी टूर पे, जब गई थी मैं वहाँ से लेके आई थी। ये सारी चीज़ें नॉर्दर्न एरियाज की हैं। तो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से ली, और उनको सबको डिटेल्स में आप लोगों को दिखाऊंगी और सबकी डिटेल्स बताऊंगी कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से ली और कितने की ली। आई थिंक प्राइस तो मुझे नहीं पता होगा, लेकिन मैं मेंशन कर दूंगी बाद में। तो सबसे पहले जो हमारे पास नेकलेस आता है, माई मोस्ट फेवरेट, वो है ये वाला। ये मैंने लिया था, यस ये मैंने लिया था हुंजा से, और ये इसके साथ के इयर रिंग्स है, और अभी मैं आप लोगों को करीब से दिखाती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ये वाला ब्लू कलर में, और ये भी बहुत प्यारा सा है। ये भी मैंने अभी तक नहीं पहना, मैंने ब्लैक वाला भी अभी तक नहीं पहना अभी तक, ये जस्ट ऐसे ही रखा हुआ है। और ये मैंने लिया था, ये भी मैंने हुंजा से लिया था। उसके बाद आ जाती है हमारे पास ये रेड कलर की, रेड कलर का नेकलेस है। उसके बाद ये ऐसा लगता है कुछ, के बाद ये नेकलेस है, इसके साथ के छोटे छोटे से इयररिंग्स है, और एक ये इसके साथ ब्रेसलेट है। और जो ब्लू वाला था उसके साथ के भी ये इयररिंग्स हैं, जो मैंने आपको दिखाना भूल गई थी अभी, तो उसके साथ की इयररिंग्स है ब्लू कलर की। ये भी मेरा मोस्ट फेवरेट है, और ये लिया था मैंने मरी से। ये कुछ ऐसा लगता है पहनने के बाद, ये मैं पहन चुकी हूँ, ये मैं दो दफा पहन चुकी हूँ, लेकिन ये रेड ब्लू और ब्लैक वाला मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। ये वाला मैं पहन चुकी हूँ, आप लोगों ने मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाली थी गेट रेडी विद मी वाली, उसमें मैंने ये पहना था नेकलेस। मैं पिक्चर जो है वो यहाँ पे साइड में कहीं लगा दूंगी, आप लोग देखिएगा। और ये वाला नेकलेस जो है ये भी मैं पहन चुकी हूँ, और ये भी मैंने लिया था मरी से, और ये बहुत प्यारा लगता है, डिसेंट सा। ये जैसे आप सिंपल सा ड्रेस पहनो उसके साथ आप ये वाला पहनो, ये कुछ इस तरह सा चोकर टाइप का है, तो ये बहुत प्यारा लगता है। और इसके साथ मेरे पास ये इयररिंग्स भी हैं, ये भी मैंने पहने थे। मैं इसकी भी पिक्चर आप लोग के पास ये कहीं साइड में लगा दूंगी। और फिर आता है हमारे पास ये वाला, ये भी मैं पहन चुकी हूँ, इसकी भी मैं पिक्चर लगा दूंगी। ये भी बहुत प्यारा सा लगता है, ब्लैक ड्रेस पे तो बहुत प्यारा लगता है, बहुत डिसेंट सा लगता है, पर ये भी मुझे बहुत पसंद है। और इसके इयररिंग्स भी हैं मेरे पास, लेकिन एक मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैं अभी एक मैंने लगाया। ये भी बहुत, मुझे ना इयररिंग्स बहुत ज़्यादा हैवी नहीं पसंद, छोटे छोटे से बस पसंद है, तो बहुत ज़्यादा हैवी इयररिंग मैं पहनती भी नहीं हूँ। अगर मैं हैवी इयररिंग्स पहनती हूँ तो फिर मैं नेक पीस नहीं पहनती, तो इसलिए इन सब के साथ ना छोटे छोटे से और डिसेंट से प्यारे से इयररिंग्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ये माथा पट्टी, ये मैंने ली थी हुंजा से, बल्तित फोर्ट से। ये भी मैंने नहीं पहनी अभी तक, यस ये मैंने ट्राई नहीं की अभी तक, ये कुछ इस तरह से लगती है।
उसके बाद मेरे पास ये वाली माथा पट्टी भी है। ये माथा पट्टी मैंने जस्ट एक दफा पहनी थी, वो भी वीडियो बनाने के लिए पहनी थी। वैसे मैं कहीं पहन के पब्लिक वगैरह पे नहीं गई। और इसके साथ का मेरे पास ये जो मैंने पूरा सेट लिया था, इसके बाद मेरे पास इसके साथ का मेरे पास ये नेकलेस भी है। तो ये अभी तक मैंने पहना नहीं है, पहनूंगी तो आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगी। आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, मैं यहाँ पे नीचे लिंक डाल दूंगी। सो ये इसका नेकलेस है, ये इसका माथा पट्टी है। इसके साथ इयररिंग भी थे, लेकिन इयररिंग जो है ना वो थोड़े से बहुत बड़े बड़े वाले थे, तो वो मैं नहीं पहनती, तो मैंने दे दिया अपनी मम्मा को। और ये इसका पूरा सेट है, तो या तो मैं इसका एयर नेक पीस पहनूंगी या मैं इस माथा पट्टी पहनूंगी, क्योंकि बहुत हैवी है ना, तो एक वक्त में एक ही अच्छा लगेगा, तो इसलिए ये वाला भी मैंने अभी तक पहन के कहीं नहीं गई। ये वाला, ये भी मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, ये सिल्वर कलर का। मुझे सिल्वर ज्वेलरी इतनी पसंद है, इतनी पसंद गोल्डन नहीं पसंद, इतनी सिल्वर बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे पास ज़्यादातर सिल्वर ही है मैं। और ये मैंने लिया था, ये मैंने ली थी मरी से लिया नहीं सॉरी ये मैंने नारायण से ली थी। और इसके साथ के ना ये इयर रिंग भी हैं छोटे छोटे से, ये वाले इसके साथ के इयर रिंग्स भी हैं। और ये वाली माथा पट्टी जो मैंने आप लोगों को दिखाई है, ये वाली ये मैंने ली थी राकापोशी से। राकापोशी हम लोग कहते हैं नाश्ता करने के लिए, तो वहां से मैंने ली थी है, तो ये भी मैंने अभी तक नहीं पहनी। उसके बाद मेरे पास ये इयररिंग्स आ जाते हैं। देख, ये इयररिंग्स जो हैं ये मैंने लिए थे मरी से। उसके बाद मेरे पास आ जाते हैं ये वाला नेकलेस, ये वाला देखें, के पास ये वाला नेकलेस भी मैंने नारायण से लिया था। ये भी बहुत प्यार लगता है पहनने के बाद, ये भी मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। और इसके साथ के ना ये इयर रिंग्स भी हैं, इसके साथ की ये इयर रिंग्स हैं, ये भी मैंने नारायण से लिए थे। तो ये भी मैंने मरी से लिए थे। उसके बाद ये ब्रेसलेट्स हैं कुछ, ये ब्रेसलेट्स हैं स्टोन्स वाले, ये मैंने मरी से लिए थे। इसके बाद आ जाती है ये वाला ब्रेसलेट, इसके साथ का नेकलेस नहीं है, एक ये ब्रेसलेट है इसके साथ, और एक ये वाला भी ब्रेसलेट है। और ये इयररिंग्स हैं,
ये मुझे ब्लू कलर में, ये स्टोन वाले हैं, ये मुझे ब्लू कलर में इतने पसंद आए थे। मैंने इसकी ना रिंग भी ली थी, वो रिंग मुझसे कहीं भी ना गुम हो गई है। तो जो है ना ये मुझे बहुत पसंद आए थे तो मैंने लिया था। इसका मुझे नेक पीस नहीं मिला था, मैंने इसका नेक पीस भी ली थी। तो मैंने दो, फिर दो ब्रेसलेट ले लिए थे और ये एक भी है। ये भी मैंने लिए थे, ये मैंने लिए थे, यस हॉपर वैली से लिए थे ये मैंने। जहाँ से मैंने ये रेड वाला नेकलेस लिया था वहीं से मैंने ये लिए थे। उसके बाद हमारे पास है ये, मैं प्यारा लगता है ये पहनने के बाद। ये मैं मोस्ट फेवरेट ब्रेसलेट है ये मेरा। एक्चुअली ये ना ब्रेसलेट नहीं है, ये कुछ कड़ा टाइप का, इस तरह से हम इसको कह लेंगे। तो ये मुझे बहुत पसंद है। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोग को और किस तरह की वीडियो चाहिए, ताकि मैं उसी तरह की वीडियो डालूँ। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या वीडियो बनाऊँ यूट्यूब के लिए। दो दो तीन तीन दिन हो जाते मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या बनाऊँ। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं बनाया करूँ। लेकिन अभी दो तीन ब्लॉग्स तो यहाँ के आएंगे, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट मंथ बहुत एक्साइटिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं। मेरे डेली ब्लॉगिंग आएगी, तो वो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। मैं कहीं जाऊँगी तो मैं आप लोगों को अपने साथ लेके जाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो जब तक मेरे चैनल को लाइक करें, कॉमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें जल्दी जल्दी से, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दें, ताकि बस मज़ा आने वाला है। तो अल्लाह हाफिज़।